हेलो फ्रेंड, हाजिर हूँ एक और टेक्निकल वीडियो के साथ। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंसेप्ट पार्ट वन से पार्ट थ्री तक हम लोगों ने देख लिया था, और अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में। एक कंट्रोल सर्किट मैंने बनाया है थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में रन करने के लिए, और साथ में एक ब्रेक कॉइल है जो कि C4 है। जब आपका मोटर ऑन होगा तो ब्रेक कॉइल ऑन होगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा है कि जब इंडक्शन मोटर ऑफ रहेगा तो उस केस में ब्रेक कॉइल को भी ऑफ रहना है। अगर ये ऑन रह जाता है तो हमारा सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस सर्किट में हम लोग देखेंगे, जब स्टार्ट पुश बटन आप प्रेस करोगे तो C1 ऑन हो जाएगा प्लस C3 ऑन हो जाएगा, साथ में C4 भी ऑन हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद टाइमर T1 जो है C2 को ऑन करेगा और C3 को ऑफ कर देगा। इस केस में भी C4 आपका कॉन्टिन्यूअसली ऑन रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल का केस। नाउ आपका मोटर रन कर रहा है और सपोज कीजिए कि C2 का कॉइल ओपन हो गया, लाइक यहाँ पे आपका कॉइल ओपन हो गया, तो क्या होगा? इस सर्किट को पता नहीं चलेगा कि डेल्टा का कॉइल ओपन हुआ है और ये C1 कॉन्टिन्यूअसली ऑन रहेगा। C1 ऑन है तो C4 भी ऑन रहेगा, बट ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे? कि हमारा C1 ऑन है बट C2 ऑफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ था या कॉइल ओपन हो गया है। तो इस केस में होगा क्या कि मोटर आपका आइडियली ऑफ हो गया बट ब्रेक कॉइल ऑन रह जाएगा। तो हमारा प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट एज इट इज रखेंगे, बट C4 का जो लाइन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफाइड सर्किट को हम लोग बना के देखेंगे। स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, इसके बाद ओवरलोड रिले। सर्किट में ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन कनेक्टर आ जाएगा, इसके बाद टाइमर कनेक्ट हो जाएगा, नाउ स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट आ जाएगा। इसी तरीके से स्टार कनेक्टर का लाइन बना लेंगे। ना हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन हमारा ऐसा है कि मोटर आपका ऑफ हो जाएगा तो C4 आपका ऑफ हो जाना है। हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल केस लिया था उसमें हमने दिखाया था कि C2 का कॉइल ओपन हो गया है, तो इस सर्किट को पता नहीं चलेगा कि C2 का कॉइल ओपन है तो C4 कॉन्टिन्यूअसली ऑन रहेगा और C1 भी ऑन रहेगा। मतलब क्या हुआ कि मोटर आपका ऑफ है और ब्रेक कॉइल ऑन है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्टार और डेल्टा का एनो कॉन्टैक्ट पैरेलल में यूज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका C3 और साथ में हो गया ये C2। इसके बाद आपका कॉइल आ जाएगा C4। इस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में C3 ऑन होगा, तो C3 ऑन होगा तो आपका ब्रेक कॉइल ऑन हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद C3 ऑफ होगा और C2 ऑन हो जाएगा, उस केस में भी आपका ब्रेक कॉइल ऑन रहेगा। सपोज कीजिए कि अब आपका मोटर रन कर रहा है और C2 का कॉइल ओपन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि C3 तो NO था ही और ये C2 का कॉन्टेक्ट भी NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका C4 ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट हमारे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, और इस केस में मोटर अगर ऑन है तो ब्रेक कॉइल डेफिनेटली ऑन रहेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, C1 और C2
दोनों अगर ऑन है तो सी फोर भी ऑन रहेगा, अगर सी वन सी थ्री ऑन है इस केस में भी सी फोर ऑन रहेगा। नाउ अगर केवल सी वन ऑन है तो सी फोर ऑफ रह जाएगा। अभी सेम चीज को हम लोग सिमुलेशन में करके देखेंगे, जहां पे आपका कुछ डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सेम सर्किट को हमने यहाँ पे सिमुलेशन में बनाया हुआ है। सबसे पहले एक्चुअल सर्किट को हम लोग रन करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद हम लोग मॉडिफाइड सर्किट को बनाएंगे। तो इसको रन करेंगे, ऑन पुश बटन को दबाएंगे, मोटर आपका ऑन हो गया है, इंडिकेटर ऑन है, साथ में ब्रेक कॉइल भी ऑन है। नाउ यहाँ पे हमने एक स्विच दे दिया है ताकि हम इस लाइन को ब्रेक कर सके। तो अभी हमारा मोटर डेल्टा के फॉर्म में रन कर रहा है। अभी हम लोग इस टेस्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करते ही आपका मोटर ऑफ हो गया है बट ब्रेक का कॉइल ऑन है। हमारा प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या था कि मोटर हमारा जब ऑफ हो जाए तो ब्रेक कॉइल भी ऑफ हो जाए, बट ये सर्किट हमारे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग अभी सर्किट को मॉडिफाई करेंगे और उसको फिर से सिमुलेशन में देखेंगे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग मॉडिफाइड सर्किट को लेते हैं और उसका सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एमसीबी ऑन कर दिया, ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो मोटर आपका ऑन हो जाएगा। मोटर ऑन हो गया, साथ में आपका ब्रेक कॉइल भी ऑन हो गया है। इसके बाद हम लोग टेस्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपका मोटर ऑफ हो गया, साथ में ब्रेक कॉइल भी ऑफ हो गया। तो इस सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कि सी वन ऑन है अभी भी और मोटर ऑन का इंडिकेटर भी आ रहा है, बट एक्चुअल में मोटर हो गया है आपका ऑफ। तो इस केस में होना क्या चाहिए कि ब्रेक कॉइल भी ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस सर्किट को मॉडिफाई करने के बाद वो काम हमारा हो रहा है। इस तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट मैंने फोर पार्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।